Good morning students. The next phase of our topic is electric potential difference. Earlier we have learned the concept of the electric potential. In that we have learned that it is a kind of work done to bring a unit positive charge from infinity to that point. So it is a kind of work done. Here also difference means here the two points are defined, but in the previous concept one point is undefined and another point was defined. मतलब एक इनफिनिटी पे था, इनफिनिटी में जानते भी नहीं कितना दूर है, बट इन द प्रैक्टिकल सर्किट्स द टू पॉइंट्स आर डिफाइंड कि हमें चार्ज को कहाँ से कहाँ तक ले जाना है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बात करते हैं किसी दो वेल डिफाइंड पॉइंट्स की. इन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट वी हैव लर्न दैट व्हेनेवर अ चार्ज इज केप्ट, कहीं भी अगर चार्ज को रख देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है. और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो या तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा या तो वो रिपेल हो जाएगा. तो अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को ले आता हूँ इनफिनिटी से, मुझे पता है कि इनफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, जीरो. तो इनफिनिटी से इस पॉइंट पर ले आता हूँ लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, तो क्या उस चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा? तो यहाँ पर वो चार्ज कैसा होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जस्ट इट विल एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस चार्ज. इट विल नॉट हैव इट्स ओन चार्ज, क्योंकि इसकी चार्ज की वैल्यू बहुत कम है, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज. तो वो जस्ट इसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एक्सपीरियंस करेगा, वो अपना खुद इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा. ओके, सो अब कोई भी दो डिफाइंड पॉइंट्स हैं. जैसे देखो रियल सर्किट्स में क्या होता है कि दिस इज अ बैटरी विच इज प्रोड्यूसिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस. देखो बैटरी में भी देखो ये जो लाइनें होती है ना, ये बड़ी वाली लाइन होती है तो ये इंडिकेट करता है हायर पोटेंशियल, ये छोटी वाली लाइन इंडिकेट करती है लोअर पोटेंशियल. तो छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है कि बेटा करंट बड़ी वाली लाइन से निकलती है और छोटी वाली लाइन में चली जाती है. तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि बड़ी लाइन का मतलब सेल का हायर पोटेंशियल, छोटी वाली लाइन सेल का लोअर पोटेंशियल. इसीलिए करंट बड़ी वाली लाइन से निकलता है और छोटी वाली लाइन में चले जाता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेंगे ये दो पॉइंट्स के बीच में. ये किसी वायर का एक बड़ा व्यू है कि इसमें जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो करंट कैसे फ्लो होता है. सो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट विल हैपन, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द कंडक्टर दे विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी. यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट दिस टर्म इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड because potential difference is applied, so what will happen, electric field is produced. electric field produce ho jata hai to usme force lagta hai, force lagta hai to ye electrons kya karna hai, move karna start kar dete hain. to newton's law ke according force lagega, so what will happen, the charges will accelerate. so the free electrons they will start moving from one end of the conductor to the other end. ab ye ek end se dusre end pe aayenge to kya hoga, इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिशन होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के बीच में कोलिशन होगा. सो लेकिन ये रुकेंगे नहीं, ये लगातार इस एंड से इस एंड पर आएंगे, इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है जी, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड. अब इसको जरा समझें पोटेंशियल डिफरेंस का. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, देखो डिफरेंस दो पॉइंट में वी ए माइनस वी बी. देखो जी वी ए हायर पोटेंशियल है और वी बी क्या है, लोअर पोटेंशियल है. बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए. पॉइंट बी हियर, लुक हियर, पॉइंट बी मीन्स इट इज एट अ lower potential, so from lower potential to higher potential. You can see here the electrons, they are moving from lower potential to the higher potential. Okay, so this is the concept of the electric potential difference. क्योंकि point B से अगर मैं define करता हूँ potential difference V A minus V B,
दैट मीन्स ये क्या है हायर पोटेंशियल है, ये क्या है लोअर पोटेंशियल है। तो मैं वर्क डन कहां से कहां करूंगा, बी से ए पर, क्योंकि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, क्योंकि ए से बी में तो अपने आप चला जाएगा, ए हायर पोटेंशियल पे बी लोअर पोटेंशियल, अगर एक कोई चार्ज रखूंगा तो वो तो ऑटोमेटिक ए से बी में चला जाएगा। तो मुझे वर्क डन कहां से करना पड़ रहा है, बी से ए में, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए। ध्यान रहे वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। ओके, अब पोटेंशियल की क्या, इट हैज स्मॉलर यूनिट्स एज वेल एज लार्जर यूनिट्स। तो दिस इज एम ए, स्मॉल एम कैपिटल ए, सॉरी स्मॉलर यूनिट्स आर smaller units are millivolt and 1 millivolt is 10 to the power minus 3 volt. Second, 1 microvolt, micro means 10 to the power minus 6 volt. Some larger units are 1 kilovolt, 1 kilovolt is 1000 volt, 1 megavolt, 10 to the power 6 volts. So these are the smaller units and these are the larger units which are most frequently used in the numericals. Okay, thank you.